गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंजन स्कूल एंड कॉलेज। टुडे आई एम गोइंग टू टेल द क्लास ऑफ सेकेंड सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर नंबर 9। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेक दिस इज द थर्ड असेसमेंट स्लैब। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर से थर्ड असेसमेंट का है। तो फर्स्ट थर्ड असेसमेंट का चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 9, इंडिया एंड द वर्ल्ड। दिस इज द बुक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये आपके बुक की एक्सप्लेनेशन है। इस बार को आपको कॉपी में या बुक में नहीं करना है। ठीक, तो इन योर बुक पेज नंबर 31, चैप्टर नंबर 9, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? द हिस्ट्री इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट एंड इट्स इवेंट। हिस्ट्री क्या होता है? जैसे इतिहास, हम लोग जितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट में इतिहास सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट आता है ना। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जब आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो ये अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है? दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, मतलब जो अतीत में घट चुका है। ठीक है, जो हमें पास्ट के बारे में बताता है या पास्ट के इवेंट के बारे में बताता है, उसके बारे में जानकारी देता है, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। द हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पीपल। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पीपल। इट इज द स्टोरी ऑफ हाउ दे लिव्ड एंड व्हाट दे डिड। ये किस चीज़ की स्टोरी बताता है? कि पहले लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और क्या करते थे। द स्टोरी ऑफ आवर कंट्री इज वेरी लॉन्ग। हमारे जो स्टोरी, हमारे देश की जो स्टोरी है, हमारी कंट्री की जो स्टोरी है, वो बहुत लंबा है। पीपल हैव लिव्ड देयर फॉर सेंचुरीज। लोग जो यहाँ पे इंडिया में है, इंडिया जो हमारी कंट्री है, इसमें जो हम लोग रहते हैं, ये हमारी स्टोरी कहाँ से है? ऑफ फॉर सेंचुरीज। सेंचुरीज सेंचुरी मतलब क्या होता है? 100 ईयर्स। 100 ईयर्स से लोग यहाँ पे रहते आ रहे हैं। हिस्ट्री जो उनके बारे में बताया गया है, उनके रहन सहन, खान पीन, कपड़े पहनना, कैसे उठना, कैसे बैठना, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन बताया जाता है। ये सेंचुरी इज द 100 ईयर्स। ठीक है, सेंचुरी क्या है? सेंचुरी इज द 100 ईयर्स। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट एंड इट्स इवेंट्स। अबाउट 400 ईयर्स एगो देयर आर मेनी कंट्री लुक आफ्टर हिज ओन किंगडम। अबाउट 400 ईयर्स देखो, मतलब 400 साल पहले की बात जो है, मे भी पास्ट है ना, 400 साल पहले की जो बात हुई है, मतलब वो पास्ट की बात है। तो 400 साल पहले देयर वेयर मेनी किंग्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारे राजा महाराजा थे, क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था। दे रूल्ड आवर कंट्री। तो ईच किंग लुक्ड आफ्टर हिज ओन किंगडम। तो हर एक जो राजा था वो अपने किंगडम का देख रेख खुद करते थे, शासन करते थे, मतलब रूल करते थे और उसके देख रेख करते थे। ठीक है, देन द ब्रिटिश कम टू आवर कंट्री आफ्टर द किंग। किंग के बाद कौन आया? ब्रिटिशर्स। ठीक है, राजा महाराजाओं के बाद ब्रिटिशर इंडिया आए। दे कम आवर कंट्री स्लोली ओवर मेनी ईयर्स। दे लुक अवे लैंड फ्रॉम द किंग देन दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस। तो ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों आए थे? दे कम हेयर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पर्पज पे वो यहाँ आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो राजा महाराजाओं को कैप्चर कर लिए, उनसे सारी जमीन ले लिए और पूरी कंट्री, मतलब पूरा इंडिया को अपने कब्जे में ले लिए, फिर उनका शासन चलना लगा। मीन्स ब्रिटिशर्स रूल्स ओवर द होल कंट्री ऑफ इंडिया। देन दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस। उसके बाद उन्होंने अपना, उनके रूल हमारे ऊपर शुरू करना स्टार्ट कर दिया। देन नेक्स्ट, द मैप ऑन द अपोजिट फेस शोज यू वेयर द ब्रिटिश कम फ्रॉम। ये ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे? ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे ये जानने के लिए अगर आप मैप देखेंगे तो मैप से आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, पहले जानिए कि मैप क्या होता है। द मैप इज ए स्मॉल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। मैप क्या है? हमारा वर्ल्ड का है
ठीक है, कैपिटल कौन सा है, अलग अलग स्टेट का नाम क्या है, कंट्री का नाम क्या है, ओसीज के नाम क्या है, ये सारी चीज़ों को जानकारी मिलती है और कौन सा कहाँ प्लेस में है वो भी पता चल जाता है। ये मैप इज ए स्मॉल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड और सम पार्ट ऑफ इट। द बिग चंक्स ऑफ द लैंड इन द मैप आर द कॉन्टिनेंट। जो आपके मैप में कॉन्टिनेंट होता है वो क्या है, द बिग चंक्स कॉन्टिनेंट्स आर द बिग चंक्स ऑफ द लैंड। जो लैंड ओशन लैंड में छोटा आपको दिखाई देगा मैप में उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट। ठीक है, टोटल हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कॉन्टिनेंट्स मतलब महादेश। ठीक है, महादेश कौन कौन से है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। और 7 कॉन्टिनेंट के साथ और भी कुछ है, क्या है, द वाटर्स अराउंड द कॉन्टिनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पोजीशंस। मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ क्या है, हमारा वर्ल्ड जो है 70% वाटर इसमें भरा है, 30% लैंड है। ठीक है, अभी मैं आपको एक मैप खोल के दिखाती हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा। ये दिस इज द मैप ऑफ आवर वर्ल्ड। ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये पूरा मैप हमारा वर्ल्ड का है। ठीक, ये वन साइड मैप। और यहाँ पे देखिए ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई देता है, ये ब्लू कलर क्या है, दीज आर द वाटर बॉडीज। और आपको ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं बीच में, ये जो टुकड़े बड़े टुकड़े छोटे टुकड़े सब दिख रहे हैं, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। और इस कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या आता है, कंट्रीज आते हैं। ठीक है, फिर कंट्री के अंदर क्या आते हैं, अलग अलग स्टेट्स आते हैं। ठीक, ओके, अब हम देखते हैं कि हमने अभी बताया कि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो कॉन्टिनेंट कौन कौन है। कॉन्टिनेंट ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया, दिस इज एशिया, दिस इज साउथ अफ्रीका, दिस इज यूरोप, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड एंटार्क्टिका। ये नीचे ये जो एरिया है आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है एंटार्क्टिका, तो ये हमारा एक कॉन्टिनेंट है व्हिच इज कवर्ड विद आइस। ये महादेश तो है लेकिन ये पूरा आइस से कवर्ड है, बर्फ से कवर्ड है। देयर इज नो वन कैन लिव हियर, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ये पूरा बर्फ का बना हुआ है, पूरा महादेश जो है बर्फ से बना हुआ है। ठीक है, और इसके चारों तरफ आप जो ब्लू पार्ट देख रहे हैं, दीज आर द वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडी को भी 5 ओशियंस से डिवाइड किया गया है, महासमुद्र जो है 5 ओशियंस से डिवाइड किया है। कौन कौन से ओशियंस है, ये देखिए, अंटार्कटिका ओशियंस, इंडियन ओशियंस, यहाँ पे पैसिफिक ओशियंस, पैसिफिक यहाँ पे भी है, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशियंस एंड आर्कटिक ओशियंस। यहाँ ऊपर का हिस्सा आर्कटिक ओशियंस और नीचे है साउदर्न ओशियंस। जो साउदर्न ओशियंस में कौन सा आता है, ये अंटार्कटिका ओशियंस भी इसे आते हैं। ठीक है, साउदर्न ओशियंस। तो 5 ओशियंस आर देयर एंड 5 कॉन्टिनेंट्स आर देयर। तो अभी मैंने आपको इस मैप के बारे में जो जानकारी दिया, आप लोगों को समझ में आया। ये कॉन्टिनेंट हैज मेनी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट व्हिच आल्सो ए कंट्री। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यहाँ। ये ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, एक महादेश है, लेकिन फिर भी ये अपने में एक देश भी है, देश भी है या ये अपना महादेश भी है। ठीक है, अंटार्कटिका इज एन आइसी कॉन्टिनेंट वेयर नो वन लिव। अंटार्कटिका जो ये है एक
कंट्री का देख रेख करते हैं, हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, हर डिपार्टमेंट के देख रेख करते हैं, हमारे देश को चलाते हैं। Now the book explanation is over. Next meeting starts. The book explanation. हमारा book explanation complete हो गया. अब हम आते हैं book exercise. These are the book exercise and you have to complete this work in your book. इस work को आपको book में complete करना है. ठीक है? Chapter number 9, India and the World. These are the book exercise. You have to complete it in your book. Okay? Let's start. What is a country? Country kya hai? The duration of 100 years is in, sorry, what is century? Century kya hai? The duration of 100 years is a century. You have to write in your book. Ye question answer ko aapko yahan pe book mein karna hai kyunki question upar diya hai. Aapko sirf answers fill karne hain, theek hai? I have only write the answer in here. Next question. Europe. The continent which also
read it in your book. This is the homework for you. ठीक है? Now all your chapter.